विष्णु और सभी लोग आलोचना कर कर विष्णु देवता कहते हैं कि एक काम हो सकता है, हम सब मिलकर अपने अपने अंदर से हमारा आत्मशक्ति को बाहर निकालेंगे। सबके अंदर जो पावर है उसको बाहर निकालेंगे, उस आत्मशक्ति को हम बाहर लाएंगे। सब प्रार्थना करेंगे उस कुंडलिनी शक्ति को जागृति करेंगे तो फिर कुछ काम हो सकता है। तो सभी देवताएं अपने अपने ध्यान के बल से अपने अंदर कुंडलिनी शक्ति को, उस परम शक्ति को जागृत करकर उसे बाहर निकालते हैं। सब देवता के अंदर से विष्णु, शिवा और ब्रह्मदेव, इंद्र, वरुण, वायु, अग्नि, सभी देवता के अंदर से एक एक शक्ति निकलती है, एक एक ज्योत निकलता है। थोड़ा सा कल्पना कर कर देखो कितना अच्छा चीज है, कितना अच्छा लगता है। और वो एक बहुत बड़ा ज्योति के रूप में, बहुत बड़ा प्रकाशित होकर एक अग्नि का बहुत बड़ा टुकड़ा जैसा सामने व्यापित होता है। देवताएं उन्हें प्रार्थना कर कर एक रूप धारण करने के लिए कहते हैं, स्त्री रूप धारण करने के लिए प्रार्थना करते हैं। और वो शक्ति, वो परम ज्योति, वो परम शक्ति एक स्त्री रूप धारणा कर लेता है। इसीलिए स्वयं प्रकाश कहते हैं उसे। इतना सारा शक्ति आप लोगों के अंदर है ये दिखाने के लिए इस कथा को शायद ही वेदव्यास जी ने बताया है। तो वो एक स्त्री रूप धारण करते हैं, वो शक्ति पूरा मिलकर। नहीं किसी का गर्भवास होता है उधर, वहां कोई जनन मरण का चक्कर ही नहीं है, एकदम शुद्ध पवित्र आत्मा से उस रूप, उस स्त्री रूप बनता है। कोटि सूर्य प्रकाश जैसा वो चमकता है। इतना सुंदर, इतना सुंदर स्त्री कैसी होती है। हम देवी का पूजा करने के टाइम कितना वर्णन करते हैं, सौम्य रूपा बोलते हैं, ऐसे बिल्कुल सौम्य, शांत रूपा बोलते हैं, बिल्कुल शांति। मातृ कहते हैं, मातृभाव, करुणा भाव, लज्जा भाव, देवी को लज्जा भी कहते, लज्जा रूपे न संस्थित। सब भाव जो एक स्त्री के अंदर होता है, सारा भाव उसके अंदर अपने आप ही स्वयं प्रकाशित हो गया। सभी देवता है खूब खुश होते हैं, स्तुति करते हैं, माँ के रूप में स्तुति करते हैं। उनके अंदर सिर्फ मातृ भाव है, इसी को सात्विक भाव कहते हैं। अब देवताओं के अंदर मातृ भाव है और माँ कहते हैं देवता, मातृ रूपेण संस्थिता कहते हैं। तो माँ है देवी, ऐसे करकर उस स्त्री रूप को देखते ही वो माँ का रूप देखते हैं उसमें, निष्कलंक। इसलिए उनको देवता कहा गया है।
आगे चलकर देखेंगे असुर कौन सा भाव से देखता है उस स्त्री को। पर स्त्री को जब आंख उठाकर कोई देखता है तो मातृभाव से देखना चाहिए, तब उनसे बहुत लाभ हम प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे अंदर भी एक शांत भाव आ जाती है उस समय, एक बच्चे का भाव आ जाता है उस समय। और ऐसे अटैचमेंट, एक माँ के ऊपर जो अटैचमेंट होता है वो आ जाता है। इसीलिए माँ के रूप में हमेशा भगवान को पूजना सभी भक्तों को बहुत आसान पड़ता है, क्योंकि माँ सारा गलतियां माफ कर देती है। माँ के अंदर कठोरता है ही नहीं, इतना मुलायम इतना कोमल था उनके अंदर रहता है। तो वो जब सामने आके खड़ी है, एक एक उसका अंग अंग को वर्णन किया गया है देवी भागवत में, दुर्गा सप्तशती में भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कितना सुंदर होनी चाहिए अगर एक स्त्री है तो, उसको क्या क्या गुण होना चाहिए। फिर सभी देवताओं ने अपना अपना हाथों में जो जो साधन था, युद्ध का साधन था, सब उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र सब दे दिया। देवी अष्टभुजा धारण कर खड़ी हो गई। अब वस्त्र भी उन्हें दिया गया, कई देवताओं ने उन्हें आभूषण भी दिया, सब कुछ उनके हाथ में देकर उनको श्रृंगार कर पूर्ण रूप से श्रृंगार कर खड़ा कर दिया। उन्हें एक सिंह का वाहन भी दे दिया। और माँ एकदम मैजेस्टिक तैयार होकर खड़ी हो गई, मुस्कुराते हुए सभी को आशीर्वाद देते हुए। देखते ही रह गए देवताएं, स्तुति करके करके थकते ही नहीं हैं। प्रणाम करते करते थकते नहीं हैं। फिर महिषासुर को वध करने की विनती की उनसे। उन्होंने कहा तथास्तु, आप लोग जिस उद्देश्य से मुझे बुलाया है मैं आई हूं और आपका काम हो जाएगा। माँ पराशक्ति, जगत जननी, मातेश्वरी, बच्चे जो बोलते हैं सब कुछ करते हैं, जो मांगते हैं सब देती हैं, करुणामयी हैं। कितना भी कठिन हो तब भी वो देने के लिए तैयार हो जाती है। बच्चों को पिता कभी कभी कोई चीज से डिनाई भी करते हैं, नहीं भी देते हैं, परंतु माँ से मांगे, माँ उस समय के लिए बहुत सोचती है मैं कैसे पिता को मनाऊं और कैसे मैं वो वस्तु मेरे बच्चे को दिलाऊं, वो उनके लिए अच्छा है या नहीं है, वो सब उसको कोई चिंता नहीं है। बच्चे ने मांगा और वो उनको देना। वात्सल्य भाव इतना अंदर माँ को भरेला रहता है, आगे पीछे सोचती नहीं। देने के बाद अगर कुछ उनको कष्ट होता है तब सोचती है कि मैं ये
दे दिया बच्चों को खाने के लिए, इससे उनका शरीर में कोई आफत आ गया करके। इतना करुणा है, आउट ऑफ द वे शी गोज टू हेल्प और शी गोज टू फॉन्डल द चाइल्ड, सो मच लव, इतना प्रेम उनके अंदर से घिरता है देवताओं को देखकर। बोलती है आप जो बोलेंगे मैं करूंगी। जब संहार करने के लिए कहते हैं देवता है माँ, वो दुष्ट महिषासुर से हम तंग आ गए हैं, वो हमसे सब कुछ छीन लिया है, उसने हमें कहाँ का नहीं रखा है, आप ही कुछ कर सकती हो। उसने वरदान भी लिया है कि मुझे अगर मरण आए तो स्त्री से ही आना चाहिए, एक स्त्री ही मुझे मारेगी। जोर से हंसती है माँ, बहुत जोर से ऐसा आवाज आता है हंसने का, महिषासुर के असुर लोग डर जाते हैं, कहते हैं किसका आवाज है, अब तक तो किसी ने इतना जोर से आवाज करने का हिम्मत की नहीं। सभी देवताएं डरते हैं, सभी प्राणियां डरते हैं महिषासुर से, उनके शासन में इतना जोर से आवाज करने वाला निर्भय होकर निर्डर एक व्यक्ति हो भी सकता है? आवाज सुनकर सभी लोग भाग कर आते हैं, देखते हैं तो चौंक जाते हैं। ये क्या है? महिषासुर को वर के रूप में स्वीकार करने के लिए बहुत सारे उसके दूत लोग भी आते हैं मां के सामने, वो सुंदर रूप को देखकर, उस देवी को देखकर आकर्षित हो जाते हैं, डरते नहीं हैं, उनको आकर्षण होते हैं। वो कहते हैं नहीं, ये तो हमारे राजा महिषासुर का पटरानी बनेगी। महिषासुर को भी जाकर बताते हैं। आखिर वो तो महिष का बुद्धि वाला था ना, तो सोचता भी नहीं है कि अरे अचानक ऐसे एक निर्डर एक स्त्री कैसे आ गई करके। बिल्कुल खुश हो गया, उसे पता भी नहीं लगा कि मेरा मौत मेरे सामने खड़ा है। दूत के ऊपर दूत को भेजता है, राक्षस लोग आकर महिषासुर का गुणगान करते हैं, देवी को आकर्षित करने के लिए कोशिश करते हैं, उनको ले जाने के लिए कोशिश करते हैं महिषासुर का पटरानी बनने के लिए। परंतु देवी महिषासुर को बुलाती है, यहाँ भेजो उसको। महिषासुर सामने आता है और जैसे ही आक्रोश से सामने आया कि मेरा सारा मंत्रियों को मार दिया, मेरा सारा दूतों को मार दिया, मेरा सारा राक्षस वंश को नाश कर दिया, तो इतना क्रोध में आने वाला महिषासुर अब आकर देवी के सामने खड़ा हुआ तो खुद को भूल गया, ऐसे मोहित हो गया, मोहिनी रूप को देखकर ऐसे मोहित हो गया, ऐसे मोहित हो गया कि कुछ कहो नहीं। परंतु माँ उसका रूप देखकर हंसती है, कहती है आखिर तो भैंस तो है ना, बुद्धि कहाँ से रहेगा इसको,
इतने सारे इसके दूत और इतने सारे इसके मंत्री लोग, राक्षस लोग मारे गए, फिर भी सबक नहीं सीखा। यहां पर थोड़ा सोचो, कितने कुछ हमारे जीवन में घटना घटती है जिससे हमें घृणा आता है संसार से। हम सोचते हैं कल से ये काम नहीं करेंगे, इस वजह से मुझे इतना कष्ट उठाना पड़ा, इस वजह से इस चीज को हम कल से त्याग देंगे। हम ऐसा गुण नहीं रखेंगे कि किसी चीज के ऊपर आकर्षित हो, बस कल से हम साधु बनेंगे, अच्छे बनेंगे, फिर से कल वो काल के रूप में निकल गया और फिर वही दोहराते हैं दूसरी बार। ऐसे कितनी बार हम अपने जीवन को सुधारने के लिए कोशिश करते हैं, बुरे गुणों से, गंदे कामों से, क्रोध से, अहंकार से, जलस से, फिर से हम उसको भूलकर फिर आगे बढ़ते हैं उसी गुणों के साथ में। ये भैंस का बुद्धि वाले ही करता है, जिसका बुद्धि मंद हो गया है, भैंस के जैसा हो गया है। शायद इसीलिए ये राक्षस को, ये असुर को महिषासुर नाम दिया गया है देवी भागवत। भैंस के जैसा सिर्फ शारीरिक ताकत, मंद बुद्धि, सोचने का, विचार करने का सब शक्ति हम गवा बैठते हैं, दुनिया के भोग भाग का, चीजों के पीछे भागते 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 हम थकते ही नहीं, गिर भी जाते हैं, चोट भी लगता है भागते भागते, हाँ थकावट भी महसूस होती है, फिर भी छोड़ते नहीं, तृप्ति का भावना नहीं लाते। अब महिषासुर भी माँ के सामने इसी इच्छा से गया कि इस स्त्री को मैं पालूं, परंतु उसका भी अंत हो जाता है और माँ महिषासुर मर्दिनी नाम से बुलाते हैं उसको भी, माँ अपने शूलायुध से मारकर चीर फाड़ कर फेंक देती। तो यहाँ पर रुककर हम सोचेंगे, भागवत पुराण इतिहास कोई हमारे दिल बहलाने के लिए कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, कोई कथा या ऐसे कुछ नहीं है, ये सचमुच हमारे जीवन को सुधारने का एक माध्यम है। ऋषि मुनि लोग इस माध्यम को, माध्यम के द्वारा हमें बहुत कुछ उपदेश देना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। तो देवी पूजा करेंगे, उपास करेंगे, या तो और सुबह से शाम तक व्रत करेंगे, प्रसाद बांटेंगे, बहुत कुछ करेंगे, परंतु जब तक हमारे इच्छाओं के ऊपर काबू नहीं पाएंगे, जब तक तृप्ति का भावना हमारे अंदर नहीं लाएंगे, शुद्ध परिपूर्ण भक्ति जब तक नहीं हृदय होगा, जब तक स्नेह भाव हमारे अंदर नहीं आएगी, तब तक देवी को प्रसन्न करना थोड़ा कठिन।